12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी द नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। लो पहले बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन मेटेलिक कंडक्टर्स। जो मेटेलिक कंडक्टर्स है उन पर क्या फर्क पड़ता है, जैसे एल्यूमिनियम कॉपर ऐसे। मान लीजिए जी ये कंडक्टर का लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लिख लिए थोड़े। कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई इनटू ई बटा एम अ टॉ। टी इथे टी रिलैक्सेशन टाइम नू कहने। मैं थोड़ा चेंज कर दिता क्योंकि थोड़ी बुक्स दे विच ना जहां टॉ लिखा फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आप बुक्स भी पढ़ते हो ना। ई इनटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ बटा एम एयर रिलैक्सेशन टाइम, मैं इथे जहां लिख भी दिया आगे। ये रिलेशन हमने पहले किया हुआ है, ये वीडियो नंबर 669 में किया हमने, वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे भी अच्छी तरह समझाया है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में इधर उधर ऐसे ही रेंडमली घूम रहे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो एक डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट होते हैं, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलैक्सेशन टाइम भी एक बार देखें, रिलैक्सेशन टाइम है जैसे इलेक्ट्रॉन्स मान लो जहां है ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो जब इस इन्होंने एक दूसरे से टकराना है, रैंडमली टकराते रहते हैं, जहां से जब जहां इस इलेक्ट्रॉन से जे टकराए इनके बीच वाला टाइम है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो जहां हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं, हो सकता है ये टाइम कम हो, अगला टाइम दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने का टाइम ज्यादा हो, तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने का और टाइम का कम हो, तो इसलिए कौन सा लेते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर एक दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के जो टाइम है टकराने का कोलिजन का उसे कहते हैं केवल रिलैक्सेशन टाइम, उसे टॉ से लिखते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आई इज इक्वल टू एन ए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू ई ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी फार्मूला हमने पहले किया हुआ है, ये देखो डेरिवेशन की हुई है, ये वीडियो नंबर 670 में है हमने की, तो ये हम सीधा ही यहां से उठा लेते हैं ये डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन में वी डी की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जहां पुट कर देते हैं, तो हमारे पास अब करंट का फार्मूला बन गया जो करंट फ्लो कर रहा है एन ए स्क्वायर ई टॉ बटा एम। ये तो मतलब करंट ड्रिफ्ट जो है रिलैक्सेशन टाइम पर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो करता ही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसका फार्मूला भी हमने किया इज इक्वल टू वी बटा एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बटा एल। अब जो वी अब जे वैल्यू हम ई की जे वी बटा एल जहां पुट कर देते हैं तो V बटा एल वहां लिख दिया। अब थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, मुझे V बटा I चाहिए, I को मैं नीचे ले जाता हूं, V तो यहां है ही है, लो क्रॉस करो एम एल ऊपर चला गया, एन ए स्क्वायर टॉ टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, V बटा I का पता ही है ओम्स लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस होती है, V बटा I बाय ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और जो रेजिस्टेंस है वो बन गई इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर, इतने भी रिलैक्सेशन टॉ ही बना लेते लो, जहां भी मैं टॉ ही लिख देता हूं, ग्रीक वर्ड है ना, लो बुक्स में लिखा आपकी एल ओवर ए। अब एक फार्मूला हमने रेजिस्टिविटी का ये भी किया हुआ रो एल ओवर ए, अब दोनों को कंपेयर कर दो तो रो की वैल्यू आ गई फ्रॉम वन एंड टू, रो इज इक्वल टू एम एन बटा एन ई स्केयर टो बटा एम एन ई स्केयर टो। एदा मतलब जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी अधिक होगी। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया कंडक्टर का, मान लो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम जो इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट मूव करेंगे, फिर नेचुरली एक दूसरे से फास्ट टकराएंगे तो नेचुरली ये रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हो गया रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, किसका टेम्परेचर कंडक्टर का। लो जी एक और डेरिवेशन है,
रो टी रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर टी, मान लो ये हमने कंडक्टर लिया है, रो टी इसकी रजिस्टिविटी जब टेम्परेचर टी था, रो नॉट इज द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर टी नॉट, तो रो नॉट जो रजिस्टिविटी उस वक्त कितना टेम्परेचर है टी नॉट, तो लो दोनों टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग रजिस्टिविटी होगी। अल्फा इज द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रजिस्टिविटी, ये फार्मूला हम ड्राई भी कर सकते हैं या हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट ब्रैकेट क्लोज स्केयर ब्रैकेट क्लोज। जो वैल्यू ऑफ अल्फा है ना पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, ये कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होती है, दैट इज द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रजिस्टिविटी। द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जहां से पता चल जाता है कि जो रजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। लेकिन ये तो बात कर रहे थे ना हम दूसरे मेटेलिक कंडक्टर्स की, आप दूसरी बात कर लेते हैं अलॉयज की, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, मिश्र धातु बोलते हैं जैसे नाइक्रोम मैग्नीन कॉन्स्टेंटेन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इन एलॉय सच एज नाइक्रोम, नाइक्रोम की बात करते हैं, रजिस्टिविटी इज वेरी मच लेस डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, उनकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर, उनकी जो नाइक्रोम है नाइक्रोम की रजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर बहुत कम असर पड़ता है। ये देखो कॉपर का ग्राफ, रजिस्टिविटी है विद टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तभी तो रजिस्टिविटी कोई खास नहीं बढ़ी, फिर जो अधिक टेम्परेचर किया तो रजिस्टिविटी अधिक बढ़ने लग पड़ी। अगर रजिस्टिविटी देखें हम नाइक्रोम की, उसका ग्राफ ऐसा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रजिस्टिविटी जो इतना नहीं फर्क पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक था जहां 1.10 जैसे 1.20 वैल्यू है सारी माइक्रो ओम सेंटीमीटर जहां लिखा, जो तो बहुत ही कम है। आगे इसने कहा सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर में जो रजिस्टिविटी है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रजिस्टिविटी घटती है, देखो नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है। लो तीसरा पॉइंट भी पढ़ लें, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये फार्मूला हमने किया रजिस्टिविटी का, एम बटा एन ई स्केयर टो है जे रिलैक्सेशन टाइम फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स एन इंक्रीज विद टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना जैसे जे कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एक वॉल्यूम ले आप एक यूनिट वॉल्यूम ही ले ले तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, एन की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जहां एक और प्रॉब्लम है, दिस इंक्रीज इज मोर देन कंपनसेट्स एनी डिक्रीज इन टॉ रिलैक्सेशन टाइम। अब आप कहोगे भी टेम्परेचर बढ़ाने से तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, जहां रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है तो जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ रही है, इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें ना तो एन की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, समझ गए, ज्यादा बढ़ने के साथ क्या होगा कि रेजिस्टिविटी कम होगी, यही बात लिखा, सो दैट फॉर सच मटेरियल्स रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर।